व्हाट्स अप गाइस, हसीज हेयर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्नू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी एक्स टी प्रो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले रियलमी एक्स टी लॉन्च किया गया और अब हमें रूमर्स देखने को मिल रहे हैं रियलमी एक्स टी प्रो पे कि ये स्मार्टफोन जो है ये किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में जो हमें रूमर्स देखने को मिले हैं वो ये हैं कि ये स्मार्टफोन जो है ये लॉन्च किया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियलमी एक्स टी लॉन्च किया गया था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ और इसमें क्वैड रियर कैमरास जो है, एक मेन सेंसर जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 64 मेगापिक्सल का। आगे हम बात करते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में कि ये स्मार्टफोन किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या रहेगी और ये स्मार्टफोन कब लॉन्च किया जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी 6.4 इंच का डिस्प्ले जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल एचडी प्लस की आपको सपोर्ट यहां देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें स्मार्टफोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन की तो यहां आपको देखने को मिलेगी 1080x2340 पिक्सल्स की स्क्रीन रेजोल्यूशन और ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ, मतलब कि स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने को मिलेगी, ये भी हो सकता है कि ये स्मार्टफोन आपको पॉपअप डिजाइन के साथ देखने को मिले। स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम के साथ, 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। हो सकता है कि इसमें आपको कोई और वेरियंट भी देखने को मिले और यहाँ आप मेमोरी कार्ड की सपोर्ट के साथ अपनी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। अब यहाँ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है या वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको कैमरा देखने को मिलता है, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा स्मार्टफोन के रियर कैमरास की बात करें तो यहाँ आपको बिल्कुल रियलमी एक्स टी की तरह क्वैड रियर कैमरा देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मेन सेंसर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 64 मेगापिक्सल का। अगर हम बात करें सेकेंडरी कैमरा की तो यहाँ आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा जो कि वाइड एंगल स्नैपर होगा। थर्ड कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसर होगा और मैक्रो सेंसर होगा और यहाँ आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको जो बैक देखने को मिलेगी उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और फ्रंट में भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और आईपी सर्टिफिकेशन के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें कि ये स्मार्टफोन किस बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगी 4000mAh की बैटरी जो कि अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी है। अब यहाँ ये कंफर्मेशन नहीं है कि बैटरी को इंप्रूव किया जाता है या नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियलमी एक्स टी की प्राइस जो थी वो थी 16,999 रुपीज इंडिया में और पाकिस्तान में अभी तक ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया गया। अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 45,000 to 50,000 तक देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। अगर हम बात करें Realme X3 Pro की प्राइस की तो ये स्मार्टफोन जो है ये आपको देखने को मिलेगा 20,000 तक इंडिया में और अगर हम बात करें इसकी पाकिस्तान में तो ये स्मार्टफोन आपको 55,000 तक पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस टैग के लिहाज से स्मार्टफोन के फीचर्स को कंपेयर करें तो इस प्राइस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इसके अलावा इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी और यहाँ आपको बैटरी अच्छी देखने को मिलेगी, कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कमाल की देखने को मिलेगी। अब यहाँ इस चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि बैटरी इंप्रूव की जाएगी या नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि आपको यहाँ इंप्रूव्ड बैटरी देखने को मिल जाए। तो इस प्राइस टैग के लिहाज से ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।